हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और क्लियर है कि आज के ये चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है जो निर्धारित करेगा आने वाले दिनों में क्या ये धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य बच पाएगा कि नहीं, जो आज के मोदी सरकार के हमलों के चलते हुए जो हो रहा है, तो उनको सत्ता से हटाना प्राथमिकता है, ये हमारा प्रायोरिटी है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि वामपंथियों की ताकत बढ़ाओ ताकि जो वैकल्पिक एक धर्मनिरपेक्ष ताकतों की सरकार जो हम चाहते हैं आए केंद्र में, उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर दबाव डाल के जनहित में नीतियां लागू कर सके। तो अभी कांग्रेस तय करे उनका क्या है प्रायोरिटी, और ये है स्वाभाविक तौर पर परंपरागत केरला के अंदर ये राजनीतिक लड़ाई जो है वो एक तरफ है वाम मोर्चा LDF और दूसरी तरफ से कांग्रेस के नेतृत्व में मोर्चा UDF, इन दोनों के बीच में होता है। बीजेपी का कोई इतना उस तरीके का खास चुनावी प्रभाव यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पर आकर LDF के खिलाफ लड़ना वो कौन सी प्रायोरिटी और क्या संदेश भेजता है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को तय करना है। और ये हम जनतंत्र है, कोई भी पार्टी तय कर सकता है कौन से सीट पर कौन सी प्रतिनिधि उस पार्टी का खड़ा होगा, ये उन जनतांत्रिक अधिकार है। लेकिन क्या मैसेज दे रहे हो, क्या है आपकी प्रायोरिटी, वो आपको समझाना होगा लोगों को।